हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती। आज का टॉपिक है ब्लड। ब्लड जो है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वो किसी भी क्लास के हों, वो कुछ भी कर रहे हों, उनको ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि ब्लड जो हमारी बॉडी में है उसका फंक्शन क्या होता है और वो आखिर बनता कहाँ है और कितना ब्लड हमारे बॉडी में होना चाहिए, ठीक है, और ब्लड का पीएच क्या होता है और जो बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है उसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी बातों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो हाँ, लास्ट तक बने रहिए हमारे इस वीडियो को और स्क्रिप्ट करके मत देखिएगा वरना ये समझ में नहीं आने वाला टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही आसान करके मैं आपको बताऊंगा कि एक ही बार अगर आप देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बिना देर किए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, आज के टॉपिक जिसका टॉपिक का नाम है ब्लड, ठीक है। ब्लड को हम लोग हिंदी में खून भी कह देते हैं, रक्त भी कह देते हैं और उर्दू में लोग लहू कहते हैं, ठीक। और ब्लड की खोज किसने की थी और कब की थी, ठीक है। ब्लड जो है, ब्लड ग्रुप जो होते हैं, ब्लड ग्रुप का खोज जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, कब किया था, 1920 में किया था, जिसके लिए इनको 1930 में मेडिकल का नोबेल प्राइज दिया गया। सिर्फ ब्लड ग्रुप के खोज के लिए इनको इतना बड़ा नोबेल प्राइज दे दिया गया। मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी खोज था, ब्लड के ग्रुप के बारे में उन्होंने बता दिया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। और उसके बाद में कार्ल लैंडस्टीनर के शिष्यों ने ब्लड ग्रुप ए बी की खोज कर डाली थी, ठीक। अब ब्लड ग्रुप ए बी और ओ की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने की, ठीक है। 1920 में किया और 1930 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दे दिया गया, ठीक है। अब जो है ब्लड की स्टडी किसमें की जाती है, ब्लड की स्टडी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसका नाम है सेरोलॉजी, ठीक है। एक ब्रांच है जिसका नाम है सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी, दोनों में ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस ब्रांच का नाम आप लोग याद रखिएगा, सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी कहा जाता है। अब ब्लड है क्या चीज़, आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक तरल पदार्थ है, एक लिक्विड पदार्थ है जो हमारी बॉडी में बहता है, ये सब कोई जानता है, ठीक। लेकिन लिक्विड पदार्थ है तो उसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह देते हैं, ठीक। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है ब्लड को, केवल लिक्विड नहीं कहा जाता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लड इज ए रेड कलर्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक रेड कलर का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। रेड कलर क्यों होता है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, आरबीसी सेल में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, ठीक। और जो इंसेक्ट होते हैं उनमें जो है ये चीजें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए उनमें उनका ब्लड रेड नहीं होता है। किसी भी इंसेक्ट को मार के देख लीजिए, उसका ब्लड कभी रेड नहीं निकलेगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप कर लीजिएगा, किसी भी इंसेक्ट को मारेंगे तो उसका ब्लड रेड नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ब्लड का पीएच कितना होता है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, जिसको हम लोग क्षारीय कहते हैं या इंग्लिश में बेस बोल देते हैं। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। 7 के एबव जब हम पीएच स्केल को देखते हैं तो 7 के एबव जो जाता है वो बेस में चला जाता है और 7 के बिलो जो जाता है वो किसमें चला जाता है, एसिड में चला जाता है। तो ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक। ये मेल में कितना पाया जाता है और फीमेल में कितना पाया जाता है, ठीक है। ये मेल में जो है 5.5 लीटर पाया जाता है, जो मेल में ब्लड की क्वांटिटी होती है, हेल्दी पर्सन के ब्लड की क्वांटिटी जो बात की जाए तो 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है, ठीक है। अब ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ब्लड का फॉर्मेशन अगर जो है फीटल डेवलपमेंट हो रहा है, मींस बच्चा जो है अभी फीटस में है, ठीक है, तो उसको जो है प्लेसेंटा के थ्रू जो है उसको ब्लड सप्लाई होती है और न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहते हैं। प्लेसेंटा पाया जाता है माँ के पेट में, प्लेसेंटा के थ्रू जो है उसको सारी चीज़ें मिलती रहती है। लेकिन उसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता कहाँ है, उसमें जो है ब्लड का फॉर्मेशन लीवर में होता है, ठीक है। ये पॉइंट जीके क्वेश्चन सेल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फीटस डेवलपमेंट में बच्चे में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये लीवर में होता है, ठीक। अब हम लोग एडल्ट हैं, हम लोगों में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, हमारे बोन मैरो में हो रहा है, ठीक है। बोन मैरो हम लोगों के बोन के बीच में पाई जाती है, ठीक है, बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब एचबी क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है। एचबी जो है वो एक रेड कलर का पिगमेंट है जो हमारे ब्लड में आरबीसी में, ब्लड के आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। ब्लड को भी हम अभी पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसमें हम बताएंगे आपको आरबीसी क्या होता है, ठीक है। ये आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। अब जो है ये मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है, ये मेल में होता है 13.2 से लेकर के 16.6
ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज जो होता है वो मनुष्यों में 13.2 से लेकर के 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। ये हेल्दी पर्सन की बात की जा रही है, अगर किसी में कोई डिजीज है तो उसका जो है कम हो सकता है, लेकिन इतना अगर है 13.2 से लेकर के 16.6 तक तो आप हेल्दी पर्सन में आते हैं, ठीक। ये वोमेन में कितना होता है 11.6 से लेकर के 15 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन परसेंटेज पाया जाता है, ठीक है। अब जो है हीमोग्लोबिन के बारे में बात होगी, पीएच के बारे में बात होगी, ब्लड क्या है ये आपको पता चल गया, तो ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लड में जो है क्या क्या चीजें पाई जाती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लड लिखा है, फिर मैंने ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक। एक पार्ट इधर लिखा है मैंने प्लाज्मा, और दूसरा मैंने लिखा है ब्लड कॉर्पसिल्स। तो ब्लड में दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है कॉर्पसिल्स, ठीक है। ब्लड कॉर्पसिल्स इसको रक्त कणिकाएं कहा जाता है हिंदी में, इसको ब्लड कॉर्पसिल्स कहते हैं। प्लाज्मा जो होता है ब्लड में लगभग 55 से लेकर के 60% होता है, कितना होता है 55 से लेकर के 60% होता है ब्लड में, ठीक। प्लाज्मा का कलर जो होता है ये कलरलेस होता है, ठीक। ये कलरलेस होता है, ये हल्का भद्दे रंग का होता है, पेल येलो कलर जिसको कहा जाता है, तो कलरलेस होता है। ये लिक्विड होता है, इसमें भी लिक्विड होता है, ठीक है। ये लिक्विड तो है, ये कलरलेस है, लेकिन इसमें क्या चीजें पाई गई, प्लाज्मा तो लगभग 55 से लेकर के 60% पाया गया ब्लड में, लेकिन प्लाज्मा में क्या चीजें हैं, प्लाज्मा में क्या है 90 से लेकर के 92% मीन 92 लेकर के 92% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। प्लाज्मा में 90 से लेकर के 92% तक वाटर पाया जाता है। अब उसके बाद और क्या चीजें पाई जाती हैं, कुछ 10% माना गया है, 8-10% माना गया है, क्या है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, उनमें मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। यहाँ पे जो है 6 से लेकर के 8% तक क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। प्लाज्मा में 6 से लेकर के 8% तक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक। और क्या होता है इसमें जो है प्रोटीन, कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ये जो है फाइब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन्स है और ग्लोबुलिन है, ठीक है। फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन कहते हैं, ठीक है। ग्लोबुलिन है, एल्ब्यूमिन है और फाइब्रिनोजेंस, ये प्रोटीन कहाँ पे पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है, ठीक है। कितना परसेंटेज होता है इनका, 6-8% होता है। अब कुछ मात्रा में इनमें जो है एमिनो एसिड भी पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एमिनो एसिड लिख दिया, और कुछ जो है एन ए प्लस पाया जाता है, सी ए प्लस पाया जाता है, सी माइनस पाया जाता है, ठीक है। और क्या चीजें पाई जाती है प्लाज्मा में, आपके हारमोन्स भी पाया जाता है, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, ठीक है, हार्मोन्स को। अब ये चीजें हो गई प्लाज्मा के बारे में। ब्लड में प्लाज्मा पाया गया 55 से 60% तक, इसमें जो है 90 से 92% तक पानी है, और जो है प्लाज्मा का कलर हल्के भद्दे रंग का होता है, इसलिए इसको हम लोग पेल येलो कलर कहते हैं, ठीक है, लिक्विड होता है। अब ब्लड कॉर्पसिल्स आता है, ये 40% होता है। ब्लड में ब्लड कॉर्पसिल्स की मात्रा कितनी होती है, 40% होती है, ठीक। अब इसमें ब्लड कॉर्पसिल्स मीन्स रक्त कणिकाओं को हम लोग तीन भाग में बांट देते हैं, कितने भाग में बांटते हैं, तीन भाग में बांटते हैं। नंबर एक आपका आ जाता है आरबीसी, ठीक है, आर मतलब रेड, बी मतलब ब्लड, सी मतलब सेल, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आरबीसी है। फिर दूसरा है आपका डब्ल्यूबीसी है, तीसरा है आपका प्लेटलेट, ठीक है। कुल मिला के हमारे ब्लड में चार चीजें पाई जाती हैं, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट से, ठीक है। अब हम लोग ब्लड कॉर्पसिल्स की बात करें तो हम लोग पहले बात करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसिल्स होता है, जिसको हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। इसका रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए इसका कलर लाल होता है। और हीमोग्लोबिन जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी है, और रेड कलर का पिगमेंट है जो ब्लड में पाया जाता है, किसमें, ब्लड के आरबीसी में पाया जाता है, ठीक। अब इसका हम लोग दूसरा नाम भी दे देते हैं, इसको दूसरा नाम दिया गया एरिथ्रोसाइट्स, ठीक, आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है। अब इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 दिन होती है, कितनी होती है, लाइफ स्पैन 120 दिन होती है, ठीक। अब आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन है। अब 120 दिन के बाद जब ये आरबीसी सेल जो है डेड हो जाएगा, फिर कहां जाएगा, स्प्लीन में जाएगा, कहां जाएगा, स्प्लीन में जाएगा, स्प्लीन में जाकर के स्टोर हो जाएगा, कहां पे, आरबीसी ग्रेवयार्ड, जिसको हम लोग आरबीसी का ना कह करके पूरे ब्लड का हम लोग कब्र कहते हैं, पूरे ब्लड, जब हमारे ब्लड का जो सेल्स होता है उसका टाइमिंग होता है कि कितने दिन के बाद हमारा ब्लड सेल्स जो है ये डेड हो जाएगा। अब वो जब डेड होता है तो कहाँ चला जाता है, स्प्लीन में जाकर के स्टोर हो जाता है। तो ब्लड का कब्र या केव यार्ड ऑफ ब्लड इज नोन एज स्प्लीन, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आरबीसी है तो इसका काम क्या है और ये कहाँ पाया जाता है, ठीक। अब ये जो है आरबीसी कहाँ पे बनता है, बोन मैरो में बनता है, ठीक। ब्लड का फॉर्मेशन एडल्ट में कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। अब ये किस शेप का होता है, ये बाई कॉनकेव होता है, ठीक। कैसा होता है, बाई कॉनकेव होता है, इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मतलब ये केंद्रकहीन होता है, और जो शेप होता है वो बाई कॉनकेव होता है, ठीक है। अब आरबीसी है,
ये क्या करेगा, इसमें हीमोग्लोबिन पाया गया, तो हीमोग्लोबिन का काम ये है, ऑक्सीजन को उठाएगा और हर जगह बांटता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो आरबीसी का काम होगा ये ऑक्सीजन को उठाएगा और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चला जाएगा। अब दूसरा है डब्ल्यूबीसी, ठीक। डब्ल्यूबीसी को हम फुल फॉर्म अगर करते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स मीन्स श्वेत रक्त कणिकाएं। अब इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, ठीक। इसका नाम था एरिथ्रोसाइट, इसका नाम है ल्यूकोसाइट। अब ये कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, व्हाइट ब्लड सेल्स कहा गया। इसमें जो हीमोग्लोबिन नहीं पाए गए, इसलिए इसका कलर कलरलेस है, ठीक है, इसलिए इसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहा गया, ठीक। अब इसमें दो चीजें और पाई जाती हैं, ये दो तरीके का होता है, दो चीजें नहीं पाई जाती हैं, ये दो तरीके का होता है। जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है वो कितने तरीके का होता है, एक दो दो तरीके का होता है। ये है एक, पहला है ग्रेन्यूलोसाइट और दूसरा है एग्रेन्यूलोसाइट। आरबीसी हमारा दो तरीके का होता है, ग्रेन्यूलोसाइट और एग्रेन्यूलोसाइट, ठीक। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 3 से लेकर 4 दिन तक ये जिंदा रहता है, फिर इसकी सेल डेड हो जाती है, फिर चली जाती है स्प्लीन में। अब इसका काम क्या होता है डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ बॉडी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ बॉडी कहते हैं। हमारी बॉडी में सोल्जर के तरीके से काम करता है, कोई भी अगर एजेंट, बाहरी एजेंट आ गया है, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आ गया, तुरंत ये लड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ बॉडी कहते हैं। ये क्या करता है, फाइट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस, ये हमारी बॉडी में फाइट करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे, डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ बॉडी कहते हैं, ठीक है। सोल्जर का काम ही होता है कि हमें बचाना, तो ये भी वही काम करते हैं, हमारी बॉडी को बचाने का काम करते हैं, इसलिए इनको सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट और सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। अब ये क्या करते हैं, ये केमिकल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। केमिकल का फॉर्मेशन होता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। अब कोई पूछे आपसे एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में कहाँ बनती है, तो डब्ल्यूबीसी में बनती है। डब्ल्यूबीसी कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्लड में पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है, वो कलरलेस होता है, ठीक। ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई। डब्ल्यूबीसी दो तरीके का होता है, ग्रेन्यूलोसाइट और एग्रेन्यूलोसाइट। अब तीसरी बात आती है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स को हम दूसरा नाम देते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। अगर कहीं पे आपका हाथ कट जाए या कहीं पे कोई बॉडी कट जाती है, तो हमारे बॉडी में जो है कुछ देर के बाद ब्लड जम जाता है, अपने आप ब्लड रुक जाता है। तो कौन हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, प्लेटलेट्स हेल्प करता है, ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स हेल्प करता है। ये कहाँ पे बनता है, ये बनता है मेगा कैरियोट, ये बनता है मेगा कैरियोसाइटो आप बोन मैरो। कहाँ पे बनता है, मेगा कैरियोसाइटो, याद रखिएगा मेगा MEGACARYOCYTO, मेगा कैरियोसाइटो ऑफ बोन मैरो में ये बनता है, ठीक। कौन बनता है, प्लेटलेट्स बनता है। इसका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। इसका जीवन काल कितना होता है, 7 से लेकर 10 डेज होता है, ठीक। यहाँ पे ब्लड कॉर्पसिल्स में तीन चीजें पाई गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। सबका जीवन भी अलग अलग होता है। डब्ल्यूबीसी होता है केवल 3 से 4 दिन तक, और जो प्लेटलेट्स होता है वो 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक जिंदा रहता है। अब फिर उसके बाद जो आरबीसी है, सबसे ज़्यादा दिन तक वही जिंदा रहता है, 120 दिन तक जिंदा रहता है, ठीक। ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो ब्लड है उसका फंक्शन क्या होता है। ब्लड का फंक्शन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। हमने यहाँ पे शार्ट में लिखा है, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसका, ऑक्सीजन का। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में। अभी हमने बताया कि जो हीमोग्लोबिन में, सॉरी, जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारी बॉडी में। फिर ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी उठा लेकर आएगा और बाहर करेगा बॉडी से। फिर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसी के साथ साथ डाइजेस्टेड फूड का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। डाइजेस्टेड फूड को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड ही करता है, ठीक। अब हार्मोन्स, हमारी बॉडी में हार्मोन्स का रिलीज होता है, कहाँ से हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से होते हैं, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। वो कौन लेकर के जाएगा, ब्लड लेकर के जाएगा, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड भी कई तरीके की होती हैं, आने वाले वीडियो में जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं बहुत ही डिटेल से आपको बता दूंगा कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, मींस रिलीज करती हैं। उनको लेकर के कौन जाता है, हार्मोन्स को कौन लेकर के जाता है, ब्लड लेकर के जाता है, पहुँचाएगा अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। अब ये यूरिया को भी लेकर के आता है, ठीक। जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया है,
हमारे लिवर में बनता है, यूरिया को भी लेकर के आता है और बॉडी से बाहर करने के लिए हेल्प करता है। अब ये क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। आप लोग देखते होंगे कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो कुछ देर के बाद क्या होता है, बॉडी ठंडी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? ब्लड मेंटेन करता है। कितना होता है टेम्परेचर? एटलीस्ट ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।